जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक तरफ जहां JNMCH अपना वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉलेज के रवैये से तंग आकर मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने ही रूम में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत छात्र की पहचान पटना के रहने वाले राजीव रंजन के रूप में हुई है, इसकी जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई। इस घटना को लेकर छात्र काफी आक्रोशित दिखे, वहीं छात्रों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। छात्रों और हॉस्टल के रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम हुआ था तो 2-3 पेपर इनका खराब चला गया, जिस कारण कुछ दिनों से ये डिप्रेशन में थे। हो सकता है इसी कारण राजीव ने यह कदम उठाया हो। यहाँ के छात्रों का यह भी कहना है कि हॉस्टल में ना रहने की अच्छी सुविधा है, ना ही ठीक से पढ़ाई होती है। सिर्फ शिक्षकों और पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को विरोध करने पर कॉलेज से निकाल देने की धमकी दी जाती है। मामला भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र का है। FSL की टीम को बुलाया गया जो जाँच में जुटी रही। वही इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के शिक्षक व पदाधिकारी कुछ भी कहने से कतराते दिखे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बंपर जीत से उत्साहित भागलपुर के भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर साथ ही पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। भाजपा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत ने साबित कर दिया 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 में भाजपा की जीत निश्चित रूप से तय हो गई है। अस्वस्थ थे इस जीत के लिए, जिस प्रकार का माहौल बनाने का काम विपक्ष के लोगों ने किया, जो घमंडिया गठबंधन है, जिनको घमंड और अहंकार है, उस घमंड और अहंकार को वहां की जनता ने चूर करने का काम किया है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पनौती कहने का काम किया, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताकर जनता ने जवाब दिया कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो पनौती नहीं है, वो देश का अभिमान और स्वाभिमान है और विदेशों में भी विश्व में भी भारत का डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री। 3 राज्यों की जीत में यही कहने की लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो उनपे सबका साथ सबका विकास जो कहती नहीं करती है, उनका उनपे जो जीत है वो उनका विश्वास दिलाता है कि लोग बहुत ही अच्छे उनके कामों से खुश हैं और आगे जितने भी काम होंगे वो लोगों की भले में होंगे और पूरा राज्य इसके लिए खुशी मनाएगा, पूरा भारत। 2024 किस तरह देख रही हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी जीत के इसमें पश्चिम में आगे इनका रिजल्ट आगे आएगा, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है इन पे आगे उनकी कुछ विश्वास पे वो खड़े हो जाएंगे। आरती यादव, महिला मोर्चा। देश के 4 राज्यों में हुए चुनाव का परिणाम आज आ गया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी। आज के परिणाम के बाद भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, यदि कोई बोलता है मोदी है तो मुमकिन है, सही में मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए EVM के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसका परिणाम आज देश के सामने है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह आज भी अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, उसी तरह यदि भारत में चुनाव कराया जाए तो पता चल जाएगा कि यह भाजपा की जीत होती है या फिर किसी और पार्टी। वहीं कांग्रेसी नेता विपिन बिहारी ने कहा कि हम लोग EVM का पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव कराए और जीत कर दिखाए। देखिए, ये हार कांग्रेस पार्टी और नहीं है, यह तो खेल है EVM का। देखिए, जो जनता का जो माहौल था, जो जनता का मूड था, चूंकि देश में जो 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय वादा जो किया 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, महंगाई रोकने की बात की, और आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई आकाश छू रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जनता का मूड वही है। ये हार जनता की नहीं है, ये हार कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह EVM मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आदरणीय मोदी जी ने किया है जो आज ये हार कर देख हम लोग को मुँह देखना पड़ा। लेकिन यही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, तो ये अगर आप खेल करते रहिएगा, जनता बिल्कुल नाराज है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। मैं आपको बता दूं, जनता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में थी और ये EVM मशीन, मुझे भी पता है, तो जांच का विषय है। आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो हमारे
अध्यक्ष हैं वो इनको जांच कराना चाहिए, आखिर ये गड़बड़ी की हुई जबकि जनता चाहती थी कांग्रेस पार्टी आए और स्टेट को भी तरक्की पे ले जाए और देश को भी एकजुट रखने का काम करे कि बायलट से चुनाव हो। आप जैसा जानते हैं कि अमेरिका जैसा देश वहाँ बायलट से चुनाव होती है, तो हिंदुस्तान में क्यों ना बायलट से चुनाव हो? सारी दुनिया के जितने भी देश हैं वो EVM को हटा दिया है, वहाँ बायलट से चुनाव कराए जाते हैं, जिस देश को आप ले लीजिए। तो हिंदुस्तान में भी हम लोग मांग करते हैं कि अब बायलट से चुनाव होना चाहिए। क्या लगता है हर का कारण EVM? निश्चित तौर पर, जैसा कि आपका स्ट्राइक रेट देख लीजिए कि जिस तरह से चाणक्य का जो एग्जिट पोल आता है, द वायर का आता है, उसका स्ट्राइक रेट 90% है और उसके स्ट्राइक रेट को हम देखिए तो 4 स्टेट दिखा रहा था कांग्रेस को जीतते हुए, उसके विपरीत परिणाम आया है। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो माननीय विधायक जी ने कहा कि वो EVM का खेल है और इसमें माहिर है नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई शक। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की बबरगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक पान दुकान चलाने वाले व्यवसायी बेचन मोदी को जान से मारने की धमकी देते हुए मोटी रकम पहुंचाने की बात कही है। साथ ही नहीं देने पर दुकान के सामानों को अपराधियों ने फेंकना शुरू कर दिया। मामला भागलपुर के मिर्जानहाट कुतुबगंज का है, जहां पान का दुकान चलाने वाले व्यवसायी बेचन मोदी अपना व्यवसाय करते हैं। तकरीबन 12:30 बजे राहुल पुद्दार नाम का युवक अपने कुछ लोगों के साथ आया और दुकानदार से डिमांड करने लगा और नहीं देने पर उसे गाली गलौज के साथ दुकान के सभी सामानों को सड़क पर फेंक दिया। किसी तरह दुकानदार जान बचाकर थाना पहुंचा और फिर मामला दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची, उसके बाद पुलिस अपराधियों को ढूंढने में जुट गई है। क्या मामला था? मामला यही था कि यानी वो आया मेरे दुकान पे। कौन? राहुल पोदार। हाँ, राहुल पोदार आया। उसके राहुल पोदार कौन है? वो आगे है, बाजी मांगता है मेरे से। क्या बोला? हाँ, बोला कि 50,000 दो, नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, दुकान खाली करो। दुकान खाली करवाने का धमकी था, या मकान मालिक भी था बैठा हुआ। अच्छा, मकान मालिक कुछ नहीं बोला? हाँ, मकान मालिक भी उसको कुछ बोला, फिर भी उन्हें सुना सना कुछ ने बात समझा उसका, मेरा आगे का कैरेट उरेट सब फेंक दिया बाहर में, नशा में धूत था वो भी, कैरेट से मेरा फेंक दिया टोटल। और क्या बोला? और क्या बोला वो? और बोला कि उसके हाथा पांजी करने लगा, मारपीट करने लगा। आपके साथ? हाँ, हमारे साथ। अच्छा। हाँ, थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। क्या बोला थाना में? थाना वाला आवेदन, यहाँ पे थाना वाला सब भी आए देख करके गए हैं, पेट्रोलिंग वाला भी घूरते हैं, मोटरसाइकिल वाला सब लोग भी आकर के यहाँ रुका, रुक करके देखा तो भी बोला कि नहीं, थाना में जाके आवेदन दे दीजिए। थाना में आवेदन दे दिए हैं। उसके बाद पेट्रोलिंग वाला बबरगंज का थाना का भी गाड़ी आता है, वो सर भी आए यहाँ पे, वो भी देख सुन के गए, बोला कि आप आवेदन एप्लीकेशन दिए थाना में? हाँ जी सर, एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। तो बोला ठीक, एप्लीकेशन जाके दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेचन मोदी हुआ। क्या चीज की दुकान है आपकी? ये पान की दुकान है, पान किराना दुकान है। आगे क्या कर देगा सर, ये चीज तो डर लग रहा हमको अब। क्या डर लग रहा? अब क्या कुछ कर देगा, जैसे वो धमकी दे रहा है, बम मार देंगे, गोली मार देंगे, इससे धमकी दे के गया है। कौन दे रहा? राहुल पोद्दार।
भागलपुर में यादवों का एक विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर की तिलकामांझी में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक की गई, जहां संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, प्रमंडलीय प्रभारी अभिषेक यादव, जिला युवा अध्यक्ष अंकित यादव, पंकज यादव सहित काफी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं यादव सम्मेलन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव एवं जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि भागलपुर में यादव जाति का एक विशाल महासम्मेलन होगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई है। वहीं यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जहां जिला के साथ साथ देश प्रदेश के यादव जातियों का महाजुटान होगा। यहां लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं सम्मेलन के माध्यम से यादवों को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जो यादव जाति को राजनीति और सामाजिक तौर पर उपेक्षित किया जाता है, उसे सम्मान और हक दिलाने के साथ साथ यादवों के सर्वांगीण विकास की बात अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा करेगी। गठन है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, 100 वर्ष पुरानी संगठन है। हम लोग बीच में कुछ शिथिल हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर माननीय जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, तब से इस जिला में एक विद्युत की धारा की तरह समाज में एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, जिससे समाज इस निर्णय पर पहुंची है कि इस जिला में एक राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक हो। इसके लिए राष्ट्रीय कार्य समिति भी जो है कि अपनी सहमति दे दी है, और इस सहमति के बाद इस जिला में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और हमें हर्ष है कि आप लोगों का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, और आप लोगों के माध्यम से ही यह कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। और देश में उद्देश्य है जो यह एक नाम से ही लगता है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, तो यह एक यादवों का जो समाज में सांगठनिक और जो संख्या बल है उसका एक शक्ति प्रदर्शन करके यहाँ के जो यादव लोगों को हैं उनको सम्मान दिलवाना, समाज में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो समाज राजनीतिक रूप से चाहे किसी भी रूप से जो सम्मान नहीं मिल रहा है वो सम्मान यहाँ के लोगों को मिले, यही उद्देश्य है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ये हमारा सामाजिक संगठन है, जो अपने स्वजातीय के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए, और उनको किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को हम लोग अभी इतने संगठित करने जा रहे हैं कि हमारे सभी जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, और जिनको बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, उन लोगों को भी कई तरह की योजनाएं हम लोग इसमें लाएंगे। और हमारा यहाँ का कार्यक्रम देख करके, यहाँ का हमारा संगठन देख करके, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उन लोगों ने हमारे जिला को, भागलपुर जिला को राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। और ये कार्यक्रम बहुत विशाल रूप में होने जा रहा है, इसका आयोजन आज हम लोग उसी के लिए ये कार्यकारिणी की बैठक रखे हैं, और इसमें तिथि का तय करें किस डेट में होगा, कहाँ होगा, और इसका रूपरेखा क्या होगा। ये बहुत बृहत कार्यक्रम है, जिसमें हमारे स्वजाति और पूरे बिहार के सहित 20 से 25 स्टेट के लोग प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, बहुत भारी संख्या में होंगे। और यहाँ का तादाद हमारा यादवों की संख्या लाख से कम नहीं होगी, उससे ऊपर होगी। और इसीलिए हम लोग ये आज अपना कार्यकारिणी का बैठक कर रहे हैं कि इसको कैसे सफल बनाया जाए, इतनी जो अपार संख्या में लोग जुटेंगे उनको संयमित और संगठित कर किस तरह से हम लोग करेंगे, ये यही हम लोग का उद्देश्य है। और इसी एक आप बैठक करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं और आगे रहें, इसलिए हम लोग को बढ़ चढ़ के हर मीटिंग में भाग लेना है और आगे निकलना है। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? उद्देश्य है कि हमारी पहचान, हम यादवों की पहचान अभी नहीं है, जबकि हम ज़्यादा संख्या में हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी टैलेंटेड हैं, तो हम लोग को उद्देश्य है कि हमारा भी पहचान हो और हम लोग काफ़ी, मतलब हमारा भी जो है काफ़ी ऊँचा दिखाई पड़े, और जितने भी हमारे देश के मतलब कि बड़े बड़े लोग हैं, ये चाहे राजनीतिक में है जो है, वहाँ हमारा स्थान है हर जगह।
जदयू प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ मार्च की तैयारी एवं जिला संगठन की मजबूती के लिए विशेष बैठक का आयोजन भागलपुर के एक विभा भवन में किया गया, जिसमें जदयू के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था संगठन को मजबूत करना, पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और आगामी 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को धूमधाम से मनाना। इन सभी विषयों पर जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है और आगामी 2024 और 25 के चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर यह बैठक आगामी चुनाव को लेकर काफी कारगर सिद्ध हो सकती है, यह जानकारी जिला जदयू भागलपुर इकाई की जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने दी। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा है जिला जनता दल यू का कार्यकारिणी का बैठक और उसके साथ साथ 6 तारीख को जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है उसके उपलक्ष पे प्रदेश से जो निर्देशित कार्यक्रम है कि हमको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है और शहर में पैदल मार्च करना है, इसी उद्देश्य से उसी बैठक किए हम लोग और उस बैठक में उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज जिला कार्यकारिणी को बुलाए हैं। हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग के प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष महेश दास जी, हमारे मीडिया प्रभारी नाथनगर प्रखंड के सोशल मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं मोहसिन साहब। अब हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे अनुसूचित। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह भागलपुर के कांग्रेस कैंप कार्यालय में मनाई गई, जहां पर कांग्रेस की नगर विधायक अजीत शर्मा के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश की प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बिहार के ही रहने वाले थे, इसलिए आज का दिन बिहार के लिए गौरवशाली दिन है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक के साथ कांग्रेस नेता बिपिन बिहारी, सुनंदा रक्षित, प्रवीण झा के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो बिहार के रहने वाले थे, इसलिए बिहार के लिए भी बहुत गौरव की बात है। तो उनके 139वें जयंती के अवसर पर उनको आज जयंती के अवसर पर हम पुष्पांजलि अर्पित हम अपनी तरफ से पूरे कांग्रेस पार्टी भागलपुर पूरे बिहार और पूरे देशवासियों की तरफ से मैं अर्पित करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते और जो देश को उन्होंने जो संविधान से आगे बढ़ाने का काम किया उनको याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, तभी भारतवर्ष एक रहेगा और आगे बढ़ने लगा। अबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर में ब्राउन शुगर पीने के दौरान देर रात झगड़े में आज सुबह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कल देर रात आकाश रंजन झा और मुकेश झा में झगड़ा हो गया, जिसके बाद आकाश रंजन झा ने मुकेश झा का मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद बदले की भावना से मुकेश झा ने 2 और लोगों को बुलाकर मानिकपुर शिव मंदिर के पास दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। मौके पर बरबगंज पुलिस पहुंची और जांच करने के दौरान ही मुकेश झा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में जिला विधिक संघ भागलपुर इकाई द्वारा मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता दिवस भी मनाया जाता है, यह तकरीबन 2 दशकों से चलता आ रहा है। जिला विधिक संघ भागलपुर इकाई द्वारा कार्यक्रम में जो अधिवक्ता 50 वर्ष अपने अधिवक्ता के रूप में कार्य पूरा कर चुके हैं उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक संघ के दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। भागलपुर के अंतिचक थाना क्षेत्र के परशुरामचक गांव में 30 वर्षीय महिला चंपा का शव घर से बरामद हुआ। मृतक महिला परशुराम चक के शंभु गोस्वामी की पत्नी चंपा देवी है, इसकी सूचना अंतिचक थाना को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर छानबीन में जुट गई। मृतका के पति शंभु गोस्वामी पंजाब में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मृतका 5 साल के बेटे व 2 साल की बेटी के साथ अपने ससुराल में रहती थी। मृतका के परिजनों ने भसूर व गोतनी पर प्रताड़ित करने व हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कुरकुरे के रैपर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सुलह हो गई थी, लेकिन कल फिर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और महिला को मारकर टांग दिया गया। वहीं बता दें कि परिवार के लिखित आवेदन पर गांव वाले की मदद से जेठ और जेठानी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अपनी तूरी की चल गई हम झगड़ा हम झगड़ा होलो तो हम खून वाले तो कल बात कर लो बिहान का बाद कल के दीदी ऐसे ऐसे बात हमरा मारी तो भाई सुरान हमरा कले मा बकरी खसी के मारे में देरी है ना लागे छे गे बेटी मार बियन करते के बहन तेरा मारी तो कहां के दीदी मारी तो कोई ठीक ना हमरा मारी तो तातुलम यूं फोन कर लके हमरा चले गेले हट गे यूं गेले धान काटल धान काटल गोतनी मार लके और भाई सुरा मार लके भाई सुरा की नाम के मैं
टिंकू गोस्वामी गोतनी रो बेबी ना लड़की नाम किस लेगी लड़की नाम डेट हो नाम बेबी है चंपा चंपा देवी कब शादी होल चले साबी आठ साल बच्चा हाँ तू उठो बेटा पति की कैसा मुँह साथ पति बाहर मजदूरी करे बहन कैली देवी पन्नी जे चली गेलै बच्चा नि खाय नै छै चली गेलै उरी के देबा करके कहना अयलो उरी ओ बच्चा जवाब देथिन जेना जेना बच्चा जवाब देथिन बच्चा माया के मारला जेना